नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोहिवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बीते दिनों बेलडा कांड जो हुआ है उसमें कई निर्दोष लोग जेल में गए हैं और कई लोगों के ऊपर केस है। तो ऐसे ही कुछ लोग यहां पे हम पहुंचे हैं पठानपुरा, जो कि रुड़की का क्षेत्र है। और यहाँ पे आप मेरे साथ देख सकते हैं जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो सारे युवा हैं, क्योंकि कहा जाता है युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। तो क्या पूरा मामले को लेके ये लोग इकट्ठे हुए हैं, आइए जानते हैं इन्हीं लोगों की जुबान आखिर क्या इनकी समस्या है और किस समस्याओं को लेके ये लोग यहाँ पे आए हैं। हमें तो जो पता लगा है सिर्फ बेलडा जो प्रकरण हुआ था उसी के संबंध में ये लोग आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किस समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं? जो भी गलत बात हो रही है उसी बात को लेकर सब इकट्ठा हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कश्यप है और मैं वार्ड नंबर 1 का वासी हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आप इस मौसम में भी हमारे मन की बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए आए हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम वार्ड नंबर 1 के सभी निवासी हैं और वार्ड नंबर 1 में कोरोना काल में जो सबसे भयानक समय था उस समय का, जिसमें व्यक्ति घर से बाहर निकलते हुए भी डरता था, उस समय जो योगेश है वो समाज सेवी व्यक्ति है, उसने अपने घर से निकल कर अपने व्यक्तिगत तौर पर हर घर को सैनिटाइज कराया, टैंक लगवाया यहाँ पे सैनिटाइज कराने के लिए। व्यक्तिगत तौर पर भी वो खुद टैंक के साथ गए, उसकी वीडियो भी आज तक हमारे पास है। और हर जो जरूरतमंद है जिसको मतलब खाना भी नसीब नहीं हो रहा था उस समय, क्योंकि मजदूरी नहीं कर पा रहा था, जो रोज का भोजन और पीने वाला व्यक्ति था उसको रोटी की बहुत बड़ी दिक्कत थी उस समय, उस व्यक्ति ने हर जरूरतमंद के घर पे भोजन की व्यवस्था की, राशन पानी की व्यवस्था की। इसी के कारण हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमारी दिल की भावनाएं उन सब से योगेश भाई से जुड़ी हुई है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि बेलडा प्रकरण कांड जो प्रकरण हुआ है वो बड़ा ही मतलब दयनीय घटना है, दुखमय घटना है। हम मानते हैं कि उसमें कोई मतलब इस तरह की घटनाएं घटित हुई है कि सबके दिल को आहत करती है, लेकिन वो एक पेड़ों की कहावत है या कानून की भी एक कहावत है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि निर्दोष जो है उनके ऊपर से जो भी चार्जेज है, योगेश इसमें निर्दोष है, योगेश का किसी भी प्रकार से हाथ इसमें नहीं है इस प्रकरण में। हाँ। कपिल जी आप बोल रहे हो योगेश निर्दोष है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है और इनामी जो मुजरिम होता है बहुत बड़े लेवल का मुजरिम होता है। देखिए, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा उस कानून की प्रक्रिया में क्या किया उन्होंने, किस तरह से किया। वो FIR भी दर्ज हुई है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें इनाम घोषित हुआ क्या हुआ, लेकिन वो गलत हुआ है। पुलिस को इस और इस प्रक्रिया को रोकना चाहिए था, क्योंकि कारण क्या है कि उसके ऊपर कोई पहले कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है किसी प्रकार की भी। एकदम से सडनली से 25,000 का इनाम घोषित करना, फिर 82 का नोटिस चिपका देना, ये मतलब बहुत ही जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके प्रति इस तरह के कार्य होते हैं। अब सभी इकट्ठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शासन प्रशासन से अपील करेंगे, शांतिपूर्वक अपील करेंगे कि जैसे सभ्य समाज के सम्मानित नागरिक हम कानून के दायरे में जाकर अगर योगेश के ऊपर लगे हुए चार्ज वापस नहीं होते हैं तो एक सभ्य समाज के सम्मानित नागरिकों की तरह कानून के दायरे में रहकर हम एक शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू करेंगे। और उस वो आंदोलन का समय जो बढ़ता रहेगा उसमें हर जनमानस की भागीदारी बढ़ती जाएगी और आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप लेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर, कोई इसमें नहीं संदेह। कोई कपिल जी, आपने अभी कानून की बात करी है कि कानून के दायरे में रह के जो आपका आंदोलन होगा, लेकिन अगर जो देखा जाए तो SC ST आयोग ने भी CBCID की जांच कर दिया, शायद वो जांच चल भी रही है, तो क्या आपको CBCID पे भरोसा नहीं है कि क्या निष्कर्ष है? हमें CBCID के साथ साथ पुलिस विभाग को भी पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है, पुलिस विभाग में भी ईमानदार अफसर है, लेकिन ये कहीं प्रकरण कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। राजनीति की भेंट कह सकते हैं हम, कुछ अपोजिशन तत्व है उस क्षेत्र के जो ये चाहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति पनपने ना पाए समाज में, ताकि हमारा जो विरोधी है वो शांत हो जाए और आगे किसी प्रकार से विरोधी पैदा ना हो, हमारे विरोध में कोई इलेक्शन ना लड़ पाए। नाम मैं नहीं लूंगा, सभी जानते हैं, लेकिन कुल मिला के ये है, CBCID की जांच पे भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा है, बस हम ये चाहते हैं कि पूरी जांच ईमानदारी से। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ कपिल कश्यप, जिन्होंने बताया है कि जो भी हम क्रिया प्रतिक्रिया हो वो ईमानदारी से हो और जो भी जांच चल रही है CBCID की बिल्कुल ईमानदारी से हो। अगर तो योगेश को कहीं ना कहीं निर्दोष नहीं माना गया तो हम लोग कानून के दायरे में रह के धरना देंगे। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम परवेज है। परवेज जी, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और योगेश के पक्ष में, तो ऐसे क्या खासियत है योगेश, क्योंकि योगेश को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, योगेश पर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो झूठे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो जी। उसके अलावा योगेश का जो चरित्र है वो कैसा है? चरित्र वो समाज सेवी है और समाज के काम आते हैं, बहुत अनेक कार्य उन्होंने किए हैं, जैसे कई लड़कियों की शादी उन्होंने कराई, उसके अलावा बहुत कार्य उन्होंने किए हैं। तो सुना आपने, एक समाज अच्छे समाज सेवी गए योगेश, और योगेश जो है निर्दोष फंसाए गए हैं, ये यहाँ की जनता का कहना है। एक भाई और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम हीरत खान है। हीरत खान जी, अभी आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और योगेश के पक्ष में, तो ऐसा क्या है कि योगेश की जो कानून से सहायता मांग रहे हैं आप, उसके निर्दोष साबित हो? हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसको निर्दोष फंसाया जा रहा है। अच्छा, हमें लगता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ना वो कर सकता, क्योंकि वो एक जेल से भी अच्छा है, हर चीज से अच्छा है। जब कोरोना आया था कोई साथ नहीं खड़ा था, वो अकेला बंदा था साथ खड़ा था, सैनिटाइज कराया, खाना राशन पानी सब कुछ उसने अकेले ने अपने पास से कराया, इसीलिए हम उसके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिला पंचायत इलेक्शन भी लड़ा था, कहीं ना कहीं वही मुद्दा सामने आ रहा है कि उसी की भेंट योगेश जी की जिंदगी चढ़ रही है? देखिए, मुद्दा तो हमें भी लगता यही है, क्योंकि उसके साथ हर समाज का, हर जाति का लोग उसके साथ खड़ा है, उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, हम भी उसके साथ हैं, हम मुस्लिम समाज से हैं, हम उसके साथ हैं, हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन अगर तो बात अब राजनीति की आ गई है, तो भाई जी एक सवाल यहाँ पे बनता है कि आप मुस्लिम समाज है और कहा जाता है मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस के साथ है। देखिए, हमें कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ जो खड़ा है उसके साथ खड़े हैं, बस साफ सीधी बात ये है। और यही राजनीतिक कुछ लोगों को यही हजम नहीं हो पा रहा है कि क्या नाम है कि वो इंसान इतना कैसे बढ़ रहा है, उसके साथ इतने लोग कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो सुना आपने, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के युवा हैं, और ये युवा का साफ कहना है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, जो इंसान हमारा साथ देके चलेगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी मन बना लिया है कि योगेश को निर्दोष साबित कराएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था पे इन लोगों को भरोसा है, और कानून व्यवस्था को बरकरार रखते हुए ये अगर जो योगेश के पक्ष में फैसला नहीं आता तो ये शांतिपूर्वक धरना भी देंगे। अब ये धरना इनका कितना लंबा चलेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। तो हमारे साथ और भी भाई है, क्या कहना चाहेंगे भाई जी आप? बस योगेश भाई के साथ जाए, जो जो भी हो, प्रशासन से ये अपील है हमारी, उन्होंने हर आदमी का साथ दिया, ना कभी कोई समाज का देखा, ना ये देखा, हिंदू मुस्लिम सबकी मदद करी, सेल्फ केयर कर गई, हमने खुद राशन पूछा, हम ये कहने थे, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा तुम 10 कट्टे लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, कहाँ बांट रहे, उन्होंने कहा पूरी रूट के में जहाँ तक ये बांट सको बांट दो, सभी समाज के आदमी इसलिए उनके साथ हैं आज जी। तो सभी समाज का जो आदमी है वो योगेश के साथ है और योगेश का साथ देने के लिए तैयार है। तो इसी की तरह की खबरें दिखाते रहेंगे आपको, बने रहिए राही न्यूज के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।